हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। ईश्वर से आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप ठीक होंगे। हम भी यहाँ पर ठीक हैं। आज अपन एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, मानव बस्तियाँ। यानी ये चौथा चैप्टर है किसका, आपकी ज्योग्राफी की जो सेकंड बुक है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसका चौथा चैप्टर है। जो तीसरा चैप्टर है मानव विकास, वो अब की बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा, उसको हटा दिया गया है। अगली बार आएगा, अब की बार नहीं आएगा। तो चौथा चैप्टर है मानव बस्तियाँ। इसके ऊपर सबसे पहले अपन अर्थ जानेंगे और फिर इसके प्रकार जानने का प्रयास करेंगे। तो आपका सिर्फ यही काम है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपका सिर्फ यही कार्य है। तो शुरू करते हैं बिना चूके बिना रुके। आज मैं पूरे जोश के साथ आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अर्थ, यानी इसको इंग्लिश में मीनिंग भी कहते हैं। और मीनिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ यानी ये चीज़ें, आप यदि इनकी इंग्लिश भी लिख के आते हो ना, टॉपिक होते हैं, तो बहुत ही प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर, जो कॉपी जांच करने वाला होता है ना उस पर। मीनिंग, मीनिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ यानी इसका जो अर्थ है ना मानव बस्ती का, वो ध्यान से सुनना। मानव द्वारा निर्मित विभिन्न आकार व प्रकार के घरों के समूह को ही मानव बस्ती के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, मानव द्वारा यानी मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के जो घर हैं उनका निर्माण किया जाता है, हम सबको पता है। लेकिन बात ये आ रही है कि जो सारे घर होते हैं, मानव जितने भी घरों का निर्माण करता है, उनका न तो आकार समान होता है, यानी न तो उनका आकार समान होता है, न ही प्रकार, यानी समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। यानी मानव के द्वारा जितने भी घरों का निर्माण किया जाता है, उनका आकार यानी कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, आकार और प्रकार दोनों ही असमान होते हैं। और जो घर, जो मानव द्वारा जो घर निर्मित किए गए हैं विभिन्न प्रकार के, उनके समूह को ही, यानी एक प्रकार से गांव ही देख लो, गांवों में बहुत सारे घर बने हुए थे, शहरों में आप जाओगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे घर बने होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनके आकार और प्रकार बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो उनके समूह को ही मानव बस्तियों के नाम से अपन जानते हैं। आगे देखोगे आप, इनका विस्तार किसका, मानव बस्तियों का, यानी मानव बस्तियों का विस्तार एक छोटे गाँव से लेकर, यानी एक छोटे गाँव से लेकर नगर और महानगर तक हो सकता है। ये विस्तार की बात यहाँ पर बता रहा है एक लाइन में, कि मानव बस्तियों का आकार यानी विस्तार कितना हो सकता है। तो ये बता रहा है कि एक छोटे गांव से लेकर यानी एक छोटा गांव देख लो, नगर देख लो और महानगर देख लो, इन तीनों के बराबर, यानी जितना गांव में जितना फैलाव होता है उतनी बस्तियाँ हो सकती हैं। कुछ जगह पर आप देखोगे तो नगरों जितनी बस्तियाँ हो सकती हैं, और कुछ स्थानों पर देखोगे तो महानगर जितनी बस्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे आप मुंबई की जो गंदी बस्तियाँ देखोगे, तो वो बस्तियाँ बहुत ही बड़े भाग पर फैली हुई हैं। तो अलग अलग स्थानों पर जलवायु और जितने भी कारक हैं उनके उस, यानी जो कारक हैं, जलवायुय कारक हैं और जो मानवीय कारक है, उनके आधार पर ही इनके आकार और प्रकार निश्चित होते हैं कि वो एक छोटे गांव की जितने रहेंगे या नगर जितने या महानगर जितने। ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर ही हो रही होंगी। बस्तियों में आकार प्रकार भिन्न यानी अलग अलग होते हैं। यानी इस लाइन में ये बताया गया है कि बस्तियों, मैंने पहले बता दिया यहाँ पर, कि जो बस्तियाँ होती हैं उनका आकार और प्रकार भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। अलग 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 स्थानों पे जो बस्तियाँ बसी हुई हैं उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है आकार की दृष्टि से और प्रकार की दृष्टि से। यानी आकार, वो कितने बड़े भाग तक फैले हुए हैं, और प्रकार कि वो उन बस्तियों में पास पास घर हैं, यानी कुछ बस्तियाँ ऐसी होती हैं जिनमें पास पास घर बने हुए होते हैं
और ऐसी बस्तियां भी होती हैं जिनमें दूर दूर घर बसे हुए होते हैं। तो वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं, एक समान प्रकार नहीं पाए जाएंगे बस्तियों के। ठीक है, आगे देखोगे अपन ये देखेंगे ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की। यहाँ पर बस्तियाँ लिखना भूल गया मैं, यहाँ पर जगह भी नहीं है। बस्तियों यानी ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के आधारभूत अंतर निम्नलिखित है। यानी अपन है ना जो अब बात करेंगे कि नगरीय बस्तियां और ग्रामीण बस्तियां हैं, गांव की जो बस्तियां हैं उनमें कितना कितना अंतर पाया जाता है, क्या सुविधाएं होती हैं क्या सुविधाएं नहीं होती, तो यानी इनके अंतर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब पहला अंतर देखेंगे अपन ग्रामीण क्षेत्र का, कि ग्रामीण क्षेत्र में आप देखोगे ग्रामीण, ये लाइन पढ़ने का प्रयास करना, ग्रामीण बस्तियों में अपने जीवन का या आर्थिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है वो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती हैं, यानी होती हैं। ठीक है, ये समझाने का प्रयास कर रहा है, मैं समझाने का प्रयास करूँगा दोबारा से, कि जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं, जो गांव होते हैं, उनमें जीवन की जो रूपरेखा है, जीवन को चलाने के लिए कुछ तो खाना, यानी कुछ तो खाने के लिए होना चाहिए ना, जीवन को चलाने की काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आर्थिक और उनके लिए पोषण, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन के लिए पोषण और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है, ये बताने का प्रयास कर रहा है। और वो पूर्ति किससे होती है, प्राथमिक और आर्थिक क्रियाओं से। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें आप देख लोगे आखेट संग्रहण, आप देखोगे मछली पालन, वनों से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करना, औषधि देख लो, कंद मूल नट बेरी, काफ़ी सारी चीज़ें। यानी प्राचीन काल में आप आदि मानव को देखोगे तो वो जंगलों में निवास करता था और वहाँ पर उसको उसका यानी जो प्रकृति के साथ सीधा संबंध होता था और वहाँ पर ही शिकार कर लेते थे। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जंगल में मिल जाती थी, उसको खाकर वो अपना पेट भर लेते थे और जीवन यापन अच्छा होता था। तो ये जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं आपको समझ में आ गई होंगी, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं क्या क्या होती हैं, इसमें क्या क्या आएगा, आप देखोगे आखेट, आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार, आखेट। ठीक है, दूसरा आप देखोगे संग्रहण। ठीक है, आप देखोगे मछली पालन, मत्स्य पालन लिख देता हूँ, मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन है ना, और वनों में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करना, तो ये जो चारों चीज़ें हैं वो ही ग्रामीण बस्तियों की मूल आधार हैं, यानी मूल आधार अपन मान सकते हैं, इनके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। आखेट यानी आखेट जो है ना वो फिलहाल में कम हो गया है पहले से ज़्यादा, क्योंकि जो ग्रामीण जो बस्तियां हैं उनका भी धीरे धीरे विकास होने लगा है और उनको है ना जो आखेट की बहुत यानी बैन लगा दिया आखेट पर, क्योंकि जीवों को मारना गलत है भाई। आप प्राचीन काल में, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर पहले भी तो आखेट किया जाता था भाई, पहले की बात अलग थी, प्राचीन काल में आदि मानव के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था, उनको मांस पर निर्भर रहना पड़ता था शिकार करके। अब आपको मीट कोई भी खाता है उसको मीट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आपके पास में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, दूध है, आधे किलो फल फ्रूट है, ये सारी चीज़ें अपन खा सकते हैं। लेकिन आज भी अपन के समाज में बहुत सारे लोग हैं जो मांसाहारी हैं, यानी मांस खाना पसंद करते हैं, तो ऐसा निंदनीय है, मैं तो ये मानता हूँ मेरी नज़र से। तो ये जो आखेट है ना ये तो बहुत कम हो गया है, कहीं कहीं जो स्थान है ना वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पर आदिवासी निवास करते हैं अधिकतर। ठीक है, आप संग्रहण देख सकते हो, मछली पालन देख सकते हो, वनों से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करना, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई ग्रामीण क्षेत्रों में
पोषण व आर्थिक आवश्यकता का आधार है ना जो ये सारी चीजें। अब नगरों में क्या है उसके विपरीत जानेंगे। नगरीय बस्तियों में विभिन्न प्रकार की सेवाएं, विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी नगरीय जो बस्ती होती हैं उनको, यानी नगरों में जो निवास करते हैं, यानी नगरीय बस्तियों में जो लोग निवास करते हैं उनको है ना जो विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी उनको है ना जो दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। और मैं यहाँ पर ये बोलते हुए बिल्कुल भी नहीं इच्छूँगा कि इन नगरीय बस्तियों को अधिकतर आप देखोगे तो ग्रामीण बस्तियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भाई ग्रामीण क्षेत्रों से ही नगरों में आती हैं। कच्चा माल देख लो, आप देख लो मछली पालन, मछली जो प्राप्त होती है वो भी नगरों में है ना जो ग्रामीण क्षेत्र से ही जाती है। आप यहाँ पर देखोगे कि वनों से बहुत सारी औषधियाँ प्राप्त होती हैं वो भी नगरों में जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों से जाती हैं, सेवाएं कुछ वहाँ पर तैयार भी कर ली जाती हैं, लेकिन तैयार किससे करेंगे, कच्चा माल कहाँ से आएगा, ग्रामीण क्षेत्र से ही। आप देखोगे तैयार माल का विनिर्माण करना, यानी जो तैयार माल है उसका विनिर्माण, यानी कोई माल तैयार है, मान लीजिए कोई बुक है, बुक बहुत सारी हैं, इनको वापस से ढालकर दूसरी चीज़ बना दी जाती है। यानी कोई बुक रद्दी हो गई है तो उनको मशीन में उनको वापस से गलाकर दूसरी पुस्तकें तैयार कर ली जाती हैं, दूसरे पेजों की पुस्तकें तैयार कर ली जाती है। तो उससे ही अपन विनिर्माण के नाम से जानते हैं। तो दोनों में आपको अंतर बिल्कुल ही स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप देखोगे दूसरा अंतर क्या है, ग्रामीण बस्तियों में नगरों में कच्चा माल जाता है। ये चीज़ें हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि बोर्ड है ना जो भर जाता है ज़्यादा, इसलिए अपन को शॉर्ट में लिखना होता है। क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है, यदि हम ये चीज़ें नहीं लिखें और वैसे ही आपको लिखते जाएं समझाते जाएं तो उसमें टाइम बहुत खर्च होता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए आप ये नहीं सोचें कि पहले बोर्ड पर लिख रहे हैं पढ़ा रहे हैं, हम पूरी, या मान लीजिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो ग्रेजुएशन हमने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में आपको पढ़ा रहे हैं, हम बीएड करेंगे उसके बाद में टीचर तो बनना ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो ऑथेंटिक है, आपको कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, ग्रामीण बस्तियों से नगरों में कच्चा माल जाता है। आप देखोगे कि ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में अटूट संबंध पाया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से ही नगरों में कच्चा माल जा रहा है। अब कच्चा माल उन नगरों में जाएगा, उनसे बहुत सारी वस्तुएं बनेंगी, अब बहुत सारी वस्तुएं बनेंगी तो वो वस्तुएं ग्रामीण क्षेत्र में भी आएंगी। यही कारण है कि दोनों में अटूट संबंध पाया जाता है। तो चीज़ें आपको क्लियर ही हो रही होंगी। फिर आगे देखो, यहाँ तक मैंने बता दिया कि कच्चा माल ग्रामीण बस्तियों से नगरों में आता है, लेकिन आगे आप देखोगे कि नगरों से कच्चा माल वस्तुओं के रूप में निर्मित होकर ग्रामीण बस्तियों में जाता है। यानी यहाँ पर लाइन में थोड़ी दिक्कत है लिखने में ना, ये समझाने का प्रयास कर रहा है, मैं वैसे ही समझा देता हूँ आपको कि यह पहली लाइन में हमने देखा कि कच्चा माल है ना जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरों में जाता है, यहाँ तक क्लियर है। इस लाइन में ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि जो कच्चा माल ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों में गया है वो कच्चा माल, उस कच्चे माल की काफ़ी सारी वस्तुएं बना ली जाती है और वो वस्तुएं है ना जो ग्रामीण क्षेत्रों में आना शुरू हो जाती है, ये लाइन यही बता रही है, ठीक है। ग्रामीण बस्तियों में आता है, यानी जो वस्तुएं होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में आनी शुरू हो जाती हैं। अब तीसरा अंतर देखोगे आप,
तो यहाँ पर क्लियर ही हो गया कि नगरों यानी नगरीय बस्तियों में और ग्रामीण बस्तियों में काफ़ी मजबूत संबंध पाए जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। सामाजिक अंतर आपको देखने को मिलेगा, जो नगरीय बस्तियां हैं और जो ग्रामीण बस्तियां हैं उसमें काफ़ी अंतर आपको सामाजिक दृष्टि से देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो समाज है और जो नगरों में जो समाज है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर कोई भी त्यौहार आता है तो बड़े उत्साह से बनाया जाता है, चाव होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो हमें पूरा पता है कि क्या क्या होता है यहाँ पर। लोग मिलजुल कर निवास करते हैं, मिलजुल कर लोग हैं ना जो रहना पसंद करते हैं, लेकिन आप विपरीत में जाओगे नगरीय बस्तियों में तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। त्यौहार वो मनाते हैं लेकिन इतना धूमधाम से नहीं मनाते हैं। आप देखोगे कि वहाँ पर जो नगरीय बस्तियाँ होती हैं वहाँ पर जो लोग निवास करते हैं आसपास, उनमें भी अटूट संबंध नहीं पाया जाता है, क्योंकि अपने काम से काम वहाँ पर रखा जाता है। जो महिमा होती है रिश्तों को निभाने में, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जो निवास कर रहे हैं उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। वो संबंध इतना ग्रामीण क्षेत्र में यदि कंपैरिजन किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो संबंध पाए जाते हैं वहाँ पर इतने नहीं पाए जाते हैं। तो आपको चीज़ें ही समझ में आ गई होंगी। अब आप आगे देखोगे, हमने हर्थ की बात कर ली, इसके आधारभूत अंतर हैं उनकी बात कर ली, अब अपन प्रकारों की बात करेंगे, यानी बस्तियों मानव बस्तियों के प्रकार, मानव बस्तियों के प्रकार, बस्तियों के जो जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लग रही है, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लीजिए, उस पर आल पे टिक करना ताकि हमारी जो वीडियो अपलोड करें वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप जाके देख सकते हो। हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि आप हमें सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो देखते हैं प्रकारों में, सबसे पहले है ना जो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार देखेंगे, ठीक है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार देखेंगे और उसके बाद में अपन है ना जो नगरीय बस्तियों के प्रकार देखेंगे। तो पहला है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार विभिन्न प्रकार के कारक वह जलवायु दशाएं, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो जलवायु दशाएं जिम्मेदार होती हैं, यानी ग्रामीण बस्तियों में है ना जो बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं ग्रामीण बस्तियों की, ठीक है, कुछ पास पास ऐसी बस्तियाँ हैं जिनमें घर पास पास मिलेंगे, कुछ बस्तियाँ आप देखोगे तो दूर दूर मिलेंगे, कुछ बस्तियाँ समतल भाग में मिलेंगी तो कुछ बस्तियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेंगी और वो दूर दूर रहेंगे, कुछ नीचे तो कुछ ऊपर, इस प्रकार की बस्तियाँ मिलेंगी। तो बहुत सारा अंतर पाया जाता है आप देखोगे, और ये अंतर किस कारण पाया जा रहा है ये बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा है कि कुछ कारक होते हैं और कुछ जलवायु दशाएं होती, इन दोनों कारणों के कारण ही मानव बस्तियों में यानी ग्रामीण बस्तियों में प्रकार पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार, ठीक है। अब आगे देखोगे कि ये कारक कौन कौन से हैं, ये जलवायु दशाएं कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं कौन कौन सी। बिल्कुल ही इजी है, सब कुछ इजी है। अपन क्या करते हैं कि माइंड में बैठा लेते हैं कि चीज़ें बहुत ही कठिन है। जब आपके सामने ये चीज़ें आई होंगी, जब मैं शुरू किया था वीडियो तो आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें बहुत कठिन है, लेकिन चीज़ें कठिन नहीं हो सकती भाई। हमारा माइंड है ना जो नहीं जानता कि चीज़ें कितनी कठिन है कितनी इजी है, ठीक है। अपन का माइंड ये नहीं जानता कि ये मैथ की बुक है या इंग्लिश की बुक है। इंग्लिश से अपन डरते हैं, मैथ से अपन डरते हैं, तो अपन का जो माइंड है ना ये नहीं जानता भाई कि ये बुक कैसी है ये बुक कैसी है। अपन खुद डिसाइड करते हैं कि कैसी है और उस डर के कारण ये अपन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आप ये सोच कर पढ़ो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ, न तो ज्योग्राफी न मैथ न और कुछ, ठीक है। इस प्रकार आप पढ़ोगे तो चीज़ें आपको क्लियर ही हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे देखोगे, इसके अंदर देखोगे पहला कारक भौतिक लक्षण। भौतिक लक्षण भी
यानी ग्रामीण जो बस्तियां हैं उनके प्रकार को डिसाइड करता है, तय करता है। आप देखोगे कि भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु, जल की उपलब्धता, इन सभी के कारण भी विभिन्न प्रकार की बस्तियों का निर्माण होता है अलग अलग। यानी आप देखोगे कि भूभाग की प्रकृति, यानी भूभाग आपको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देखने को मिलेगा। कुछ स्थान पर उबड़ खाबड़ है तो कुछ स्थान पर समतल मैदान है। आप देखोगे समतल जहाँ पर मैदान पाया जाएगा, समतल मैदान जहाँ पर पाया जाएगा वहाँ पर आपको जो बस्तियाँ हैं, ग्रामीण बस्तियाँ हैं, वो पास पास बसी होंगी। सघन घर वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, यानी पास पास घर आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारे क्षेत्र में वो फैली होंगी। लेकिन जहाँ पर उबड़ खाबड़ ज़मीन है वहाँ पर आपको है ना जो पास पास घर आपको देखने को नहीं मिलेंगे और बस्तियों का जो विस्तार होता है वो भी आपको कम ही देखने को मिलेगा। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ऊंचाई, कुछ बस्तियाँ ऊंचाई पर स्थित होती हैं तो कुछ बस्तियाँ निचले भाग पर स्थित हैं, ठीक है। जलवायु आप देखोगे जिस स्थान पर जलवायु ज़्यादा ठंडी पाई जाती है, मानव के अनुकूल नहीं पाई जाती है, वहाँ पर आप देखोगे कम बस्तियों का निर्माण होगा। और बस्तियों का निर्माण भी होगा तो पास पास बस्तियाँ वहाँ पर देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करेंगे। और जहाँ पर आपको बस्तियाँ जहाँ पर मानव के अनुकूल जलवायु पाई जाती है, न तो ज़्यादा ठंड होती है न ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करेंगे, वहाँ पर ग्रामीण बस्तियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप देखोगे हाँ जहाँ पर मानव के अनुकूल जलवायु पाई गई वहाँ पर अधिक लोग निवास करेंगे और पास पास घर बना लेंगे, ताकि बहुत सारे यानी बड़े क्षेत्र में आपको बस्तियाँ देखने को मिलते हैं। आप देखोगे कि जल की उपलब्धता, जिस स्थान पर जल नहीं है उस स्थान पर मानव कम निवास करते हैं और मानव बस्तियाँ भी आपको, ग्रामीण बस्तियाँ भी आपको कम देखने को मिलेगी। लेकिन जिस स्थान पर जल उपलब्ध है वहाँ पर बस्तियाँ ज़्यादा निवास करती हैं। अब आपको ये पता होगा कि बहुत सारी सभ्यताएँ विकसित हुई हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता आप देख लो और कालीबंगा सभ्यता देख लो, ये उसके भाग ही हैं। तो ये क्या है कि देखो सिंधु सरस्वती सभ्यता किसके किनारे बसी हुई है, सिंधु सरस्वती सभ्यता सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई है। आप देखोगे कि मिस्र सभ्यता मिस्र नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। यानी मिस्र जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। और आप देखोगे बहुत सारी सभ्यताएं आपको देखने को मिलेंगी जो नदियों के किनारे बसी हुई, क्योंकि वहाँ पर जल उपलब्ध होता है। और यहाँ पर जल उपलब्ध हो रहा है तो आप देखोगे कि मत्स्य पालन भी आपको अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो दूसरा कारक देखते हैं, सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, ये भी विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों का निर्माण करने में सहायक होता है। जाति धर्म और सामाजिक संरचना भी, देखो जाति जहाँ पर एक प्रकार की जाति यानी सॉरी जाति और धर्म और सामाजिक जो संरचना होती है वहाँ पर बस्तियाँ अलग अलग देखने को मिलती है। यानी मान लीजिए जिस स्थान पर बौद्ध धर्म विकसित है, बौद्ध धर्म का प्रचलन फिलहाल में कम है, यानी पहले बहुत ज़्यादा था, और बौद्ध धर्म है ना जो बहुत ही अच्छा धर्म है, यानी बहुत कोई सा भी धर्म है जो खराब नहीं है, जो धर्म के ठेकेदार हैं ना वो धर्म को ख़राब कर देते हैं। कोई सा भी धर्म, इस्लाम देख लो चाहे सिख देख लो चाहे आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, कोई से भी धर्म में आप पढ़कर देखना, आर्ट्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ पर आप देखोगे तो आपको चीज़ें ना बिल्कुल सही मिलेगी। ऐसा धर्म कोई सा भी नहीं है जो आपको गलत मार्ग पर ले जाए। तो जहाँ पर जिस धर्म के लोग निवास करते हैं वहाँ पर वैसी ही बस्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। जिस स्थान पर जैसी जाति निवास करती है वहाँ पर उसी जाति के लोग निवास करेंगे। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारे धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो ये धर्म, जाति और सामाजिक संरचना है, वहाँ पर किस प्रकार के सामाजिक संबंध है, किस प्रकार के लोग निवास करते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं तो कुछ शाकाहारी होते हैं, तो ये जो
किस प्रकार के संबंध है, किस प्रकार के संवाद बनाए जाते हैं उस समाज में, तो ये सारे जो है ना जो डिसाइड करते हैं किस चीज़ को, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को। आप देखोगे यहाँ पर सुरक्षा संबंधित कारक, यानी जिस स्थान पर चोरियों और डकैतियाँ, यानी चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा मिलती है, वहाँ पर आपको एक विशाल क्षेत्र में बस्तियाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि उनकी सुरक्षा हो रही है चोरियों से और डकैतियों से, उनकी सुरक्षा हो रही है, इसलिए वहाँ पर आपको एक सघन ग्रामीण बस्ती देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमने क्या क्या देख लिया, अर्थ देख लिया, प्रकार में अपन ने थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हैं प्रकार में, और बाकी की चीज़ें ना अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो है ना थोड़ा लंबा हो जाएगा और लंबी वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं होती है। तो हमने प्रकार में यानी ग्रामीण बस्तियों के प्रकार में भी बहुत कम चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अपन ने ध्यान रखना कि अपन ने ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करने वाले कारक ही पढ़े हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं वो अपन अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को दबा लोगे तो हम तक पहुंचोगे, हमारी वीडियो आप तक आएगी। और पढ़ते रहो जोश से, क्योंकि इस ज़माने में पढ़ाई के सिवाय कुछ भी नहीं है। आप दूसरे क्षेत्र में जाओगे वहाँ पर भी कुछ नहीं, तो पढ़ाई से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे हो कि YouTube पर हम भी पढ़ाना चाहते हैं, तो आप कब पढ़ा पाओगे, जब आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लोगे, आपको भी लोग देखेंगे हमारी तरह, तो क्यों देखेंगे, आप पैसे भी कमाओगे YouTube पर। कब कमाओगे, जब आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे, आपके अंदर स्किल डेवलप होगी, क्योंकि सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। जैसे आप पोइट्री कविता लिखना चाहते हो, तो जब तक आपको हिंदी सही तरीके से नहीं आती है तब तक आप कविता नहीं लिख सकते। बहुत सारे बिजनेस है, बिजनेस आपको यानी बिजनेस भी शिक्षा से जुड़ा होता है। आप भाषण देख लो, भाषण देते हैं तो वो भी आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो शिक्षा ही सब कुछ है, मैं तो ये मानता हूँ। शिक्षा को पूरी तरीके से ग्रहण कियो करो, फालतू बातों पे ध्यान मत दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।